Hello, future doctors. Welcome to Meet Ultimatum. Here we are working to achieve dreams. ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं? That should be our main focus. ठीक है, without any time waste, let's just start what we're going to do today and you people know it clearly. ठीक है, आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट टू. ठीक है, मैं होप कर रही होगी कि आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर वन लेक्चर टू कंप्लीट कर चुके होंगे, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे एंड प्रैक्टिस वन क्वेश्चंस करके आ चुके हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग NCERT 3 times यू नो अच्छे से पढ़कर आ चुके होंगे. ठीक है, अगर आप अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो इट इज़ फाइन. अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 कर लिए, बट हम जैसे जैसे यू नो मूव ऑन करते जाएंगे चैप्टर में यू हैव टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ. ओके, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम बिकॉज टाइम इज सो प्रीशियस वेदर इट्स योर्स माय और किसी का भी क्यों ना हो. ठीक है, सो विद दिस लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ योर. ठीक है, देखिए मोनीरा दैट लिव इन हार्श अल्कलाइन हैबिटेट आर कॉल्ड. हम पढ़ चुके हैं ना, मोनीरा हमें अनयूजुअल हैबिटेट्स में दिखेंगे, स्नो में दिखेंगे, डेजर्ट्स में दिखेंगे, हमें थर्मल स्प्रिंग्स में दिखेंगे जिसको हम हॉट वाटर बोले एंड इवन इन द गट ऑफ द एनिमल्स में हमें मोनीरा दिखेंगे. ठीक है, मोनीरा दैट लिव इन द हार्श अल्कलाइन, बोलिए जल्दी से इसका आंसर. हार्श अल्कलाइन हैबिटेट आर, यस वेरी गुड, दैट इज हैलोफिल्स. ठीक है, हैलोफाइल्स, हैलोफिल्स, ओके वॉट एवर बी द प्रोनाउंसिएशन दिस सी इज अ करेक्ट, दैट इज हैलोफाइल्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑल मोनीरा आर बैक्टीरिया राइट एंड ऑल बैक्टीरिया आर मोनीरा. आप लोगों को ये बात तो हम क्लियर कर चुके हैं बहुत ज़्यादा बार. ठीक है, नाउ ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक, यह है डी ऑल. देखिए हमने मोनीरा को क्लासिफाई किया था ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक में एंड हम ऑटोट्रॉफिक में क्या पढ़ चुके हैं बोलिए, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक. देन हम फोटो ऑटोट्रॉफिक में ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक पढ़े थे, देन हेटरोट्रॉफिक में पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक. सो हमें क्या पता लग रहा है क्लियरली कि हमें ऑटोट्रॉफिक भी दिखेगा, पैरासाइटिक भी दिखेगा जो होगा हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक सिम्बायोटिक भी दिखेगा जो होगा हेटरोट्रॉफिक, बट ये है ऑटोट्रॉफिक. दैट मीन्स ऑप्शन डी दैट इज ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हियर, मोनीरा विथ क्लोरोफिल ए एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आर. ठीक है, हमें क्लियरली ये पढ़ चुके थे मोनीरस विथ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए एंड PS2 क्या था, मस्त था किसके लिए, यस ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स के लिए मस्त था. एंड हम ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स में किसका एग्जाम्पल पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, जल्दी से बोलिए. यस वेरी गुड, दैट इज साइनोबैक्टीरिया वाज द आंसर राइट. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन है दैट इज डी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया. नाउ ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड राइजोबियम, नॉस्टॉक, क्लोरेला, मेथेनोजेन, जल्दी से बोलिए. यस विद इन सेकेंड्स, आई वॉन्ट द आंसर विद इन सेकेंड्स, 1, 2, 3 एंड गो. यस प्लीज जल्दी से बोलिए, यस नॉस्टॉक राइट. ना हम पढ़ चुके हैं ना साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग, नॉस्टॉक एंड एनाबीना. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया किस में नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, कोरोलॉइड रूल में हम पढ़ चुके हैं. राइजोबियम किस में करेगा, अब आप लोग मुझे बोलोगे. ठीक है, फ्रैंकिया किस में करेगा, आप लोग बोलोगे. राइजोबियम करेगा लेग्यूमिनस प्लांट्स में जैसे कि ग्राम है एंड हमें फ्रैंक क्या करेगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि एलिस. एंड साइनोबैक्टीरिया करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल थे नॉस्टॉक एंड एनाबीना, वो करेगा कोरोलॉइड रूट्स में. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज योर, साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया में हम पढ़े थे कि उसमें होगा क्लोरोफिल ए सिमिलर टू प्लांट्स, दैट मीन्स प्लांट्स क्या है हमारे, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स राइट, प्लांट्स तो होंगे हमारे प्रोड्यूसर्स. एंड हम पढ़ चुके हैं साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए होगा सिमिलर टू प्लांट्स, दैट मीन्स साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स तो होंगे नहीं, कंज्यूमर्स तो होंगे नहीं, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ सिक्स क्वेश्चन इज हियर, आइडेंटिफाई अ बैक्टीरियल डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग. बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ चुके थे ना क्या था वो, पहले आप लोग आंसर बोलिए देन मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी. पोलियो वॉज इट बैक्टीरियल डिजीज, मम्स, कोलेरा एंड स्मॉल पॉक्स, जल्दी बोलिए. पोलियो, मम्स, कोलेरा एंड स्मॉल पॉक्स, हम क्या पढ़े थे, टाइफाइड,
typhoid, cholera and plague. They were the bacterial diseases in animals, right? Then citrus canker were bacterial diseases in plant. Plant में था हमारे पास citrus canker and animal में हमें bacterial disease से typhoid, cholera and plague. तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सिर्फ bacterial disease पूछ रहा है. Animal and plants को लोग यू नो मेंशन नहीं करे. दैट मीन्स यहाँ पर देखिए तीनों में आपको क्या आंसर दिख रहा है. दैट इज सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट? ओके. नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया तो क्या हमारा नॉस्टॉक. देन साइनोबैक्टीरिया आर शर्मिक प्रोड्यूसर्स. बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ चुके थे ना. टाइफाइड, कोलेरा एंड प्लैग दे वर द बैक्टीरियल डिजीज इन एनिमल. एंड सिट्रस कैंकर वर फाउंड इन प्लांट एज बैक्टीरियल डिजीज. तो ये था हमारा कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज हियर. ओके, जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं ये बात. सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय. सिट्रस कैंकर किससे कॉज होता है? अभी हम पढ़ चुके हैं ना कि कौन सा डिजीज है. ये वायरल डिजीज है ना. ठीक है, सो वायरल इट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन वायरस करेक्ट. सो सेवेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन है, जल्दी से बोलिए. येस आई एम रॉन्ग, राइट? क्या है इसका ऑप्शन? येस इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. हम अभी जिस पढ़ के आ चुके हैं ना. सो इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट अकर्स इन प्लांट्स. ठीक है, नाउ अवर एट्थ क्वेश्चन इज हियर. व्हेन बैक्टीरिया आर रॉड लाइक दे आर कॉल्ड. पहले आप बोलिए मुझे, व्हेन बैक्टीरिया आर कॉमा शेप दे आर कॉल्ड. मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ. ये विब्रियम, येस प्लूरल होगा विब्रियो. येस और नो? स्पायरल, स्पायरल ला. ठीक है, वेरी गुड. स्फेरिकल, कोकस. दो कोकस हो गए, डिप्लोकोकस. चेन ऑफ कोकस होगा स्ट्रेप्टोकोकस. बंच ऑफ कोकस होंगे स्टेफिलोकोकस, राइट? देन रॉड शेप होगा तो क्या बोलेंगे आप लोग? जल्दी एन आंसर इन 3 सेकेंड. 1, 2 and 3 प्लीज जल्दी से बोलिए. येस बैक्टीरिया, when bacteria are rod like they are called bacillus. Yes, and plural is bacilli. Okay, is it correct or not? Hum bolenge isko bacillus and plural hoga bacilli. Okay, is it correct or not? Aap logo ko kya samajh mein aa chuka hai? Kya main head on karu 9th question par? Now most metabolic diversity is most metabolic diversity exhibited by, पूछ रहा है यहाँ पर. आप लोग मुझे बताइए फर्स्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? आप लोग मुझे बताओगी. यस, हम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, आपको मुनीरा में कितने न्यूट्रिशन दिखे थे? 6 types of nutrition, राइट? प्रोटिस्टा में आपको क्या दिखा था? एक तो आपको ऑक्सीजनिक दिखा था, प्लस आपको पूरे दिखेंगे हेटेरो. उसके बाद आपको दिखेगा फंगाई में हेटेरो. एनिमेलिया में आपको दिखेगा होलोजॉइक. प्लांट्स में आपको दिखेगा सिर्फ ऑक्सीजनिक, राइट? ये था हमारा न्यूट्रिशंस के बारे में, हम ये पढ़ा चुके हैं. ठीक है, मोनीरा में 6 types of nutrition मिलेंगे आप लोगों को. एंड आप लोग मोनीरा में 6 types of nutrition दिखेंगे. प्रोटिस्टा में आपको दिखेगा ऑक्सीजनिक, प्लस जो हमारे हेटरोट्रॉफिक के 3 न्यूट्रिशन है वो दिखेंगे. दैट मीन्स प्रोटिस्टा में कितने होंगे? ऑक्सीजनिक तो एक हो चुका है. ऑक्सीजनिक तो एक हो चुका. हेटरोट्रॉफिक में पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है, सैप्रोफाइटिक है. दैट मीन्स ये एक एंड ये 3. यहाँ पर तो एक ही है हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक में 3 है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक. यहाँ होगी 3. एनिमेलिया में होलोजॉइक. दैट मीन्स देखिए अब हम नंबर वाइज चलेंगे तो इसमें है मोनीरा में 6 types. प्रोटिस्टा में आपको दिखेगा 4 types. फंगाई में आपको दिखेगा येस पैरासाइटिक ना. हेटरोट्रॉफिक मीन्स पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक. एनिमल में आपको दिखेगा 1 type. एंड सिमिलरली आप लोग को प्लांट्स में भी दिखेगा सिर्फ ऑक्सीजनिक. दैट मीन्स मोस्ट आपको कितने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपको किस में दिखे? दैट मीन्स मोनीरा. इसीलिए हम बोले थे कि मोनीरा एग्जिबिट मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. इसमें क्या है? 6 types of nutrition. ठीक है, आपको मोनीरा में क्या दिखेंगे? 6 types of nutrition. सो दैट इज द रीजन वी वर सेइंग मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज मोस्ट इन द मोनीरा. ठीक है, अब आप लोग मुझे बोलोगे कि वो 6 types of nutrition क्या थे. ओके, जल्दी से आप लोग मुझे जल्दी से बताओगे कि व्हाट वर द 6 types of nutrition. नाउ 10th क्वेश्चन इज हियर. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया मीन्स. ठीक है, इसका मीन्स मतलब पूछ रहे हो. ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे हम.
इसमें देखिए थोड़े ऐसे भी क्वेश्चन थे जो मेरे सेल्फ हैंडमेड है, तो आप लोग डू नॉट सर्च इट ऑन इंटरनेट, मैं अपनी खुद ही से भी क्वेश्चन बना रही हूँ आप लोगों के लिए, सो इट इज़ ओके ना। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया मीन ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, क्या आपको ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, पर्पल है ना। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट, क्या आप लोगों को ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पर? नो, इट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। पर्पल पिगमेंट यस राइट, बट ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट ऐसा तो कुछ नहीं है। पर्पल पिगमेंट यस, पर्पल पिगमेंट एंड सल्फर बाई प्रोडक्ट यस, सल्फर बाई प्रोडक्ट है इसीलिए भी ऐसे ही पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अगर सल्फर बाई प्रोडक्ट नहीं होता, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया हम इसे कहते। सो विच इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, दैट इज पर्पल पिगमेंट एंड सल्फर बाई प्रोडक्ट, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 10th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम जाएंगे 11th क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, ऑल मुनीरा हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या ऑल मुनीरा के पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है? आप लोग मुझे बताइए। ओके, एंड आंसर शुड बी इन 3 seconds, दैट इज 1, 2 and 3। क्या आप लोग को दिखता है मुनीरा में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होगा? एंड अगर आप लोग को दिखता है कि यस खाली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, आप लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। अगर आप लोग को दिख रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, दैट मीन्स स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देन आप लोग मुझे रीज़न बताओगे एंड विद इन 3 seconds, दैट इज 1, 2, 3। ठीक है, नाउ इट्स माय टर्न मुनीरा, एंड मैं होप करती हूँ कि आप लोग सबको ये आंसर पता है एंड आप लोग सब जने लाउडर होकर बोल चुके। मुनीरा को हम क्लासिफाई किया था ऑटोट्रॉफिक में बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक में, दैट इज थोड़े हो गए ऑटोट्रॉफिक एंड वी हैव हेटेरोट्रॉफिक ऑल्सो, थोड़े होंगे हमारे पास ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक भी है, बट यहाँ पर तो कह रहा है कि ऑल मुनीरा हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट राइट। सो हमारा 11th क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, दैट इज इट इज इनकरेक्ट। सो नाउ लेट जस्ट हेड ऑन टू अवर 12th क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, हम ये बहुत बार पढ़ चुके यही वीडियो में, बार हम इससे पहले भी पढ़ चुके, दैट मीन्स अब आप लोग दोगे इसका आंसर सेकेंड्स में। पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बियोटिक, यस क्या है इसका ऑप्शन? यस वेरी गुड, डी ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम्स, नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन अवर 13th क्वेश्चन ऑफ द डे एंड इट इज हियर, लोअर ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेनली, हम ये पढ़ चुके थे लिविंग वर्ल्ड में एंड हम लास्ट सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं एंड हम इसकी क्लैरिटी भी ला चुके थे एंड आप लोग मुझे अब जल्दी से आंसर दोगे, लोअर ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेनली, क्या मेनली एग्जिबिट करते हैं लोग? सेक्शुअल, ए सेक्शुअल, नीदर ऑफ द टू एंड नॉट श्योर, जल्दी से बोलिए। सेक्शुअल एग्जिबिट करते हैं लोअर? नो, ए सेक्शुअल इज द करेक्ट, यस आई एम एक्सपेक्टिंग जल्दी से विद इन 2 seconds में आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोग से। ठीक है, क्या आप लोग इस आंसर दे पा रहे हो या नहीं आप लोग मुझे बताइए। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी मुनीरा, एनर्जी के सोर्स पे देखिए, मुनीरा आर क्लासिफाइड इनटू पैरासाइटिक एंड ऑटोट्रॉफिक, ये तो हेटेरोट्रॉफिक है, ये तो ऑटोट्रॉफिक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमोसिंथेटिक, यस इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए, हमने बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स मुनीरा को डिवाइड किया था फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज लाइट एंड कीमोसिंथेसिस, दैट इज कीमोऑटोट्रॉफिक, इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज केमिकल रिएक्शन। नाउ हम फिर दो और ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, कीमोसिंथेसिस यस इट इज करेक्ट, बट सिम्बायोटिक ये तो हाइड्रोट्रॉफिक हो गया, इट इज नॉट करेक्ट, नन ऑफ दिस, ये भी इनकरेक्ट हो गया, दैट मीन्स बी फोटोऑटोट्रॉफिक एंड कीमोऑटोट्रॉफिक, हम जिसको कीमोसिंथेसिस भी बोलेंगे। सो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट फॉर द 14th क्वेश्चन। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर, जल्दी से हम कवर कर लेंगे इसको, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, देखिए विच इज इनकरेक्ट, ऑल मुनीरा आर बैक्टीरिया, हम ये बार बार पढ़ चुके हैं, दिस इज करेक्ट ना। 6 type of nutrition हम अभी पढ़ चुके हैं, 6 type of nutrition है मुनीरा में। अब आप लोग बोलोगे मुझे क्या है वो 6 type of nutrition, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के आंसर का। 6 type of nutrition, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखेगी मुनीरा में, येस और नो? Yes, they form spore under favorable condition. क्या आपको ये statement correct लग रहा है? अगर आप लोग को statement ये correct लग रहा है तो ये जैसे आप लोग का सुना सुनाया हुआ है and it is not correct. Spore will form under unfavorable condition. Favorable condition में they reproduce mainly by binary fission and under unfavorable condition they form spores to protect themselves. ठीक है, so incorrect पूछवाना है यहाँ पर, so D is the incorrect. So हमारा option 15th question का option D is the correct one. ठीक है, now we have completed our biological classification
क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट टू। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए स्टडीज़ में, ठीक है। अब हम क्लास को एंड करते हैं विद दिस, लेट जस्ट एंड अवर क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, ओके। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। बट यस यस एबीस, कहाँ जा रहे हो? व्हाई वी आर हियर? यस प्लीज, व्हाई वी आर हियर एबीस? यस वी आर हियर एंड वी आर वर्किंग टू अचीव द ड्रीम्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, गुड बाय।